लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के हेड कोच विराट कोहली और रविवार शास्त्री की वजह से नहीं बन सके। सहवाग के अनुसार बीसीसीआई में उनकी किसी से सेटिंग नहीं थी, इस वजह से ऐसा हुआ। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वीरेंद्र सहवाग ने कहा, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बीसीसीआई के मेंबर्स के कहने के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। गौरतलब है कि जून में अनिल कुंबले के हटने के बाद जुलाई में रविवार शास्त्री टीम इंडिया के नए कोच बने हैं। इसके लिए बीसीसीआई ने एप्लीकेशन मंगवाने से लेकर इंटरव्यू तक की प्रोसेस की थी। सहवाग ने कहा, मेरा इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी के कहने पर मैंने अप्लाई किया। इससे पहले मैंने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रविवार शास्त्री से भी बात की थी। तब शास्त्री ने कहा था कि वो इस बार पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहते, वो कोच पद की रेस में नहीं है। सहवाग के अनुसार जब वो जून में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में थे, तभी उन्होंने शास्त्री से इस बारे में चर्चा की थी। सहवाग ने ये भी कहा कि यदि उन्हें पता होता कि शास्त्री हेड कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करते। गौरतलब है कि रविवार शास्त्री ही कोच पद के लिए कप्तान विराट कोहली के फेवरेट थे। 10 जुलाई को कोच का अनाउंसमेंट बीसीसीआई की एडवाइजरी कमेटी को करना था। इससे कुछ दिनों पहले ही शास्त्री कोच पद की रेस में आ गए थे।